हरियाणा में शुक्रवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नई सरकार बनने के बाद अब नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जानी है। हमारे इस खास पेशकश में आज आपको विधानसभा में नए और पुराने विधायकों की जानकारी मिलेगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बार विधानसभा में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों की शपथ के बाद अब समय है नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ का। साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है। ऐसे में नई सरकार के नए विधानसभा सत्र में ये सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। नई विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। विधायकों के शपथ दिलवाने के लिए पूर्व स्पीकर और हरियाणा विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल डॉक्टर रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायक वहां मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद अब समय है विधानसभा सत्र का। नायब सरकार 2.0 के पहले विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 25 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र शुरू होना है। सत्र को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय में नए विधायकों के स्वागत के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नव निर्वाचित विधायक भी शपथ के लिए तैयार हैं। विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायकों की शपथ होगी, उसके बाद विधानसभा का सत्र भी आएगा, परंतु 25 तारीख को सभी विधायकों की शपथ होगी। शुक्रवार के सत्र में सभी विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए पूर्व स्पीकर और हरियाणा विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल डॉक्टर रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इस दौरान सभी नव निर्वाचित विधायक यहां मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा में इस बार सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या बीजेपी के पास है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का सदन में नेता कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि पहला सत्र केवल शपथ ग्रहण तक ही सीमित होगा। ऐसे में सत्र में अगर कांग्रेस और INLG अपने नेताओं का नाम घोषित नहीं करती है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगले सत्र में कांग्रेस को अपने नेता का ऐलान करना जरूरी हो जाएगा। बहरहाल विधानसभा सत्र को लेकर हमारी इस खास पेशकश में आपको आगे बताते हैं कि इस बार विधानसभा में कौन से विधायक पहली बार चुनकर आए हैं और सबसे ज्यादा बार विधानसभा पहुंचने का खिताब किस विधायक के नाम है। हरियाणा विधानसभा में इस बार 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगे। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला हैं, तो वहीं सबसे उम्रदराज विधायक की अगर बात करें तो कांग्रेस के रघुवीर कादियान सबसे उम्रदराज हैं। इसके साथ ही दो विधायक ऐसे भी हैं जो 7वीं बार विधायक पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित विधायकों के बारे में आपको बता दें। हरियाणा की 15वीं विधानसभा सत्र की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ होने जा रही है। इस बार कई युवा विधायक सदन में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। वहीं विधानसभा में युवा जोश और अनुभव का पूरा सुमेल होगा। 90 विधायकों में से 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला हैं, तो वहीं सबसे उम्रदराज विधायक रघुवीर कादियान हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया है। प्रदेश में विकास को रफ्तार देने में विधानसभा की अहम भूमिका होती है। ऐसे में जरूरी होता है विधानसभा में पढ़े लिखे और जनता के हित में सोचने वाले हो।
इस बार हरियाणा विधानसभा में ज्यादातर विधायक पढ़े लिखे और अनुभवी हैं। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा में महिलाओं का भी अहम योगदान रहने वाला है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा में वकील, डॉक्टर और किसान समेत हर तरह के नेता दिखाई देंगे। नई विधानसभा में सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 5 वकील, 3 डॉक्टर और 53 ग्रेजुएट विधायक हैं। सिविल इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 8 विधायक केवल 12वीं पास हैं, वहीं 1 5वीं और 13 ने 10वीं तक ही पढ़ाई की हुई है। वहीं हरियाणा विधानसभा में 7 बार विधायक बनने वाले 2 दिग्गज नेता भी शामिल हैं। इनमें बेरी से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज शामिल हैं। इसके अलावा 2 विधायक ऐसे हैं जो 6ठी बार विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी नेता कृष्ण लाल पंवार का नाम शामिल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे, वहीं कृष्ण लाल पंवार ने इसराना से चुनाव जीता है। 5वीं बार चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में 5 नाम शामिल हैं, जिसमें सभी विधायक कांग्रेस के हैं। इनमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई, गीता भुक्कल, मोहम्मद इलियास और निर्मल सिंह का नाम शामिल है। अशोक अरोड़ा थानेसर से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकुला से जीत दर्ज की है। साथ ही गीता भुक्कल ने झज्जर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है और मोहम्मद इलियास पुनहाना से चुनाव जीते हैं। हरियाणा विधानसभा में इस बार अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है। 2 नेता ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों से विधानसभा पहुंचते आ रहे हैं, वहीं 2 नेता ऐसे भी हैं जो करीब 25 सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं 20 सालों से जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की भी संख्या में कमी नहीं है। ऐसे नेताओं से जनता की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। विधानसभा में तजुर्बेकार विधायकों के होने से प्रदेश हित में अच्छे फैसले होने की उम्मीद रहती है। ये विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन के पटल पर अच्छे से रखते हैं। वहीं इस विधानसभा सत्र में शपथ ग्रहण के बाद ये सभी विधायक अपने अपने हलकों में जनता के विकास के लिए काम शुरू करेंगे, साथ ही अपने अपने हलकों के लिए योजनाएं भी बनाएंगे। तजुर्बेकार विधायकों के साथ साथ इस बार विधानसभा में युवा विधायकों का भी बोलबाला है। जनता ने युवा चेहरों पर भरोसा किया है और उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया है। साथ ही इस बार की विधानसभा में 17 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा में इस बार कई चीजें बदली हुई हैं। विधानसभा में इस बार कई नए चेहरे नजर आएंगे तो कई पुराने चेहरे फिर से दिखाई देंगे। कई युवा पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 4थी बार जीत का स्वाद चखा है और अब विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए तैयार है। तो चलिए सबसे पहले बात उन विधायकों की जिन्होंने जीत का चौका लगाकर 4थी बार विधानसभा में एंट्री की है। 4थी बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ और राव नरवीर सिंह का नाम शामिल है। बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ भिवानी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, वहीं राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। इसके साथ ही शकुंतला खटक भी 4थी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। बादशाहपुर से चुनाव जीतने के बाद राव नरवीर सिंह नायब कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सराफ बीजेपी के विश्वास पर खड़े उतरे हैं और एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के शकुंतला खटक विधायक कलनौर से चुनाव जीते हैं। वहीं तीसरी बार जीत कर विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों की फेहरिस्त कुछ लंबी है। इस बार 17 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे। इनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव जीत कर तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। बीजेपी के हरविंदर कल्याण, कृष्ण मिड्ढा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा और रणवीर गंगवा भी तीसरी बार चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव, राम कुमार गौतम,
विनोद भयाना, राजेश नागर और घनश्याम दास अरोड़ा को भी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के 5 ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें रोहतक से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, आफताब अहमद, अकरम खान, जरनैल सिंह और परमवीर सिंह शामिल हैं। साथ ही निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल भी तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। चौथी और तीसरी बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों की संख्या इस बार लगभग 20 है। 17 ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार विधानसभा पहुंच रहे हैं, वहीं 3 विधायक ऐसे हैं जो चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में ऐसे विधायकों को अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में अक्सर महिलाओं के विकास और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर के सवाल जवाब होते रहते हैं। ऐसे में इस बार हरियाणा विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हरियाणा में इस बार 13 महिलाएं चुन करके विधानसभा पहुंची हैं, चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची हैं, अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं हरियाणा विधानसभा में महिलाओं को लेकर के इतिहास कैसा रहा है और इस बार कौन कौन महिला विधायक विधानसभा पहुंची हैं। हरियाणा की सियासत में अक्सर महिलाओं की भूमिका को लेकर सवाल जवाब होते रहते हैं। विधानसभा में भी महिलाओं की कम संख्या अक्सर कई सवालों को जन्म देती है, लेकिन इस बार इस आंकड़े में कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ है। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार सबसे ज्यादा 13 महिला विधायक चुनकर आई है। सदन के अंदर और बाहर पुरुष प्रधान समाज में बराबरी के लिए तरस रही महिलाओं की संख्या विधानसभा में बढ़ी है। हालांकि 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में पुरुष विधायकों की तुलना में आंकड़ा बेहद कम है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरे थे, जिनमें से महज 101 महिलाएं चुनाव लड़ रही थी। चुनाव में बीजेपी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें 5 महिलाएं विधानसभा पहुंची। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 7 महिलाएं महिला विधायक चुनी गई, तो वहीं एक निर्दलीय महिला विधायक भी चुनी गई। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में इस बार 13 महिला विधायक बनी। अब की बार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से सबसे ज्यादा 7 महिला विधायक चुनकर आई है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाली महिला नेताओं में गीता भुक्कल, शैली चौधरी, शकुंतला खट्टर, विनेश फोगाट, पूजा चौधरी, रेणु बाला और मंजू चौधरी शामिल हैं। वहीं सभी महिला विधायकों की बात करें तो महिला विधायकों में निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, जो तीसरी बार विधायक बनी है, बीजेपी विधायक आरती राव पहली बार विधायक बनी है, श्रुति चौधरी पहली बार विधानसभा पहुंची है, विमला चौधरी दूसरी बार विधायक बनी, बीजेपी विधायक कृष्णा गहलावत भी दूसरी बार चुनी गई, बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा पहली बार विधानसभा पहुंची, वहीं कांग्रेस से विनेश फोगाट पहली बार विधायक बनी, मंजू चौधरी भी पहली बार विधानसभा पहुंची, पूजा चौधरी पहली बार विधायक बनी है। साथ ही कांग्रेस की रेणु बाला दूसरी बार विधायक बनी, शैली चौधरी दूसरी बार विधायक बनी, शकुंतला खटक ने चौथी बार जीत दर्ज की, साथ ही गीता भुक्कल ने सबसे ज्यादा 5वीं बार जीत दर्ज की है। बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाली 5 महिला विधायकों में से 2 महिला विधायकों को बीजेपी ने मंत्री बनाया है। दोनों ही महिला नेता राजनीतिक परिवारों से हैं, जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और लगातार 6ठी बार सांसद बने राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के साथ 3 विभाग दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और बीजेपी की दिग्गज किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को महिला और विकास मंत्रालय सहित 2 विभाग दिए गए हैं। हरियाणा में अब तक हुए चुनावों की बात करें तो सबसे पहले साल 1967 के चुनाव में महज 4 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इसके बाद साल 2005 के चुनाव में सबसे ज्यादा 11 महिलाओं ने चुनाव जीता था और फिर 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा 13 महिलाएं चुनाव जीती।
जबकि 2019 में महिला विधायकों की संख्या घटकर 8 रह गई थी। इस बार भी 13 महिला विधायक विधानसभा पहुंची हैं और महिलाओं की आवाज को बुलंदी के साथ विधानसभा में रखने के लिए तैयार हैं। नई सोच और नए लक्ष्य के साथ नई विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस बार कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे सभी चेहरों के बारे में आपको इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस पार्टी के कितने नए विधायक इस बार चुनकर के विधानसभा पहुंचे। हरियाणा विधानसभा में पूर्व आईएएस अधिकारी से लेकर पहलवान और किसान तक देखने को मिलेंगे। नई विधानसभा में नए चेहरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकी एक महिला पहलवान और एक पूर्व जेल अधिकारी शामिल हैं। सबसे पहले आपको उन विधायकों के बारे में बताते हैं जो दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। उसके बाद उन नए चेहरों के बारे में बताएंगे जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। दूसरी बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में बीजेपी और कांग्रेस के 11-11 विधायकों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के भगवान दास, कृष्ण कुमार बेदी, विपुल गोयल, लक्ष्मण यादव, प्रमोद विज, राजेश नागर, राम कुमार कश्यप, श्याम सिंह राणा और तेजपाल तंवर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से दूसरी बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों की लिस्ट में बलवान सिंह दौलतपुरिया, भरत सिंह बेनीवाल, मामन खान, नरेश सिलवाल, रघुबीर तेवतिया, रामकरण काला और शीशपाल कहरवाला का नाम शामिल है। अब बात उन नए चेहरों की जिन्हें जनता ने पहली बार चुनकर विधानसभा भेजा है। इस बार कुल 40 नए विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, जिनमें बीजेपी के 23 विधायक और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं। बीजेपी के नए चुने गए विधायकों में अनिल यादव, अरविंद शर्मा, देवेंद्र अत्री, गौरव गौतम, हरिंदर सिंह, जगमोहन आनंद, कंवर सिंह, कपूर सिंह, कृष्ण कुमार, मनमोहन भड़ाना, मुकेश शर्मा, निखिल मदान, पवन खरखौदा, रणधीर पनिहार, सतीश कुमार फागना, सतपाल जाम्बा, सुनील सांगवान, उमेद सिंह और योगेंद्र सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने कई नए चेहरों पर दांव खेलते हुए इस बार अपनी जीत को काफी हद तक आसान बनाने का काम किया, जिसका बीजेपी को भरपूर फायदा भी मिला। वहीं कांग्रेस की ओर से 13 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला, कांग्रेस विधायक विकास सहारन, विधायक बलराम दांगी, विधायक चंद्र प्रकाश, विधायक देवेंद्र हंस, विधायक जस्सी पेटवार, विधायक मनदीप चट्ठा, मोहम्मद इसराइल और विधायक राजवीर फर्टिया शामिल हैं। बहरहाल हरियाणा विधानसभा को लेकर अब नए विधायक पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की शपथ के बाद अब नव निर्वाचित विधायकों की शपथ होने जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण के बाद अपने क्षेत्र के लिए विधायकों की ओर से कितना काम किया जाता है और जनता नव निर्वाचित विधायकों के काम से कितनी खुश होती है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।